ସଂସଦର ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଆଠ ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ସଦନକୁ ଅଲବିଦା କହିବାର ଥିଲା। ନୂଆ ଭାରତରେ ସଂସଦର ନୂଆ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାର ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟା ଗଲା ତ ଉଲ୍ଲେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରହରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ପୁରୁଖାଙ୍କ ଯାଏ ହେଲା। ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନରେ ଶେଷ ସମ୍ବୋଧନରେ ଭାବୁକ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମନେ ପକାଇଲେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସଂସଦର ପବିତ୍ର ଭୂଇଁକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। पुराना संसद और शेष संबोधन रे मोदी देशर सबु प्रधानमंत्री का परिश्रम और पुरुषार्थ को मने पकाइले। पीएम मोदी जेतेबेले स्मृतिर पेड़ी खोलिले ସେଥିରେ ନେହେରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଯାଏଁ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କର ଯୋଗଦାନର ସ୍ମୃତି ଥିଲା ସେସବୁ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଉପରେ ପୁରା ସଦନ ତାଳି ବଜାଉଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଜୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ବହୁତ ସେ ଲେକର କେ ଅଟଲ ଜୀ, ମନମୋହନ ସିଂ ଜୀ ତକ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିସନେ ଇସ ସଦନ କା ନେତୃତ୍ୱ କିଆ ହୈ और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। अटल बिहारी वाजपेयी को सही ऐतिहासिक निष्पत्ति को भी मने पकाइले प्रधानमंत्री, जो से मूल्यबोध पाई क्षमतार बलि देते। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। निज भाषण रे प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 रो सफलता ओ G20 सम्मेलन रो भी उल्लेख कले। मोदी कहिले ये सब कोनोसी व्यक्ति विशेष रो सफलता नुहे, समग्र देशवासी को उपलब्धि। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है, ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। गणतंत्र रही यात्रा रे सब किछि भलो नथिला। पीएम मोदी बांग्लादेश युद्ध पई इंदिरा गांधी को प्रशंसा कले तो जरूरी परिस्थिति रो भी उल्लेख कले, परमाणु चुक्ति रे प्रशंसा कले तो कैश फॉर वोट बाबद रे भी कहिले। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री को। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और
इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी, वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था। मोदी कहिले एही संसद हेउछि भारतीय गणतंत्रर स्वर्णिम यात्रार गुरुत्वपूर्ण अध्याय। भवन निर्माण रे भारतीयंको योगदान को मने पकाई प्रधानमंत्री कहिले एही गृह निर्माण निष्पत्ति विदेशी शासकंकर थिला, किंतु एथिरे परिश्रम ओ झाळ देशवासी ही बहिथिले। इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। संसद रही भवन एवं इतिहास अंश पलटिजिव। यह संसद भवन एवं केवल रही स्मृति पट्टे, किंतु एटी जो माइलखुंट सब प्रतिष्ठा होती से सबू के लिभना। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।